brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. एक बार फिर लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस जो है पहले अक्षय बम जैसे नए नेता चले गए, फिर राम निवास रावत जैसे पुराने नेता चले गए, उसके बाद गोविंद सिंह कुशवाहा का बयान आता है कि 7 तारीख को जीतू पटवारी भी आ सकते हैं। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है तो अब ये पारा इनके लगता है इनके दिमाग में आ गया। जब दिमाग में पारा आ जाता है तो क्या स्थिति होती है आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि बेजुबानी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुद्दों से हटके बात करना, मुद्दों पे बात करना नहीं चाहती, मुद्दे भटकाना चाहती है। रही बात जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष है, कहीं कोई नहीं जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि उनकी किसी से बात हुई है। देखिए संपर्क तो रोज ही करते हैं, इतने सालों से करते आ रहे। जब सरकार जारी थी जब नहीं गया, सब तरह के प्रलोभन दिए गए, तो उमंग सिंघार है, सिंधिया नहीं है कि जो अभी भी कोई संपर्क हुआ है इसकी तरफ से आपको क्या ऑफर मिला? अब कई लोग हैं, सब तरह के लोग करते प्रयास, अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक के लोग प्रयास करते, समय आने पे वो भी उसको भी बताया जाएगा। अभी संपर्क हुआ है क्या बीजेपी में जाने की बात है? मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग संपर्क भी करते, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं एरा गेरा नहीं हूँ, उमंग सिंघार हूँ, सिंधिया नहीं हूँ। जो लोग जा रहे हैं क्या वो जीतू पटवारी का नेतृत्व तो नहीं चाहते, उन्हें पसंद नहीं है अध्यक्ष? नहीं, ऐसी कोई बात आई नहीं संगठन पार्टी में। तो क्या कारण है? देखिए अब अक्षय बम के बारे में यही कहूँगा कि वो भुस्सी बम निकला, लेकिन रावत तो पुराने नेता थे। राम निवास जी रावत जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जब आप विधायक नहीं थे तो जब आप क्यों नहीं गए सिंधिया के साथ? आज विधायक बने तो आप मंत्री पद की लालच में जा रहे हो। तो ये सब सत्ता भोगी लोग हैं, इनके जाने से कांग्रेस फर्क नहीं पड़ता और विजयपुर सीट आपको वहाँ पे मुरैना के अंदर लीड दिखेगी, आप इस पर अच्छा, आपको दिख जाएगा। ऐसे आरोप लगा रहे हैं दलित प्रत्याशी के ऊपर, दबाव हुआ है, प्रलोभन दिया रहा है, तो क्या भाजपा की प्लानिंग यहाँ पे जो ऑपरेशन सूरत था दोहराने की, क्या लगता है? देखिए मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो संविधान में चुनाव आयोग के माध्यम से जो फॉर्म की गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई फॉर्म विड्रॉ होता है या रिजेक्ट होता है तो बी फॉर्म इसीलिए भरा जाता है, नहीं तो बी फॉर्म की आवश्यकता क्या देश में? हटाया चुनाव आयोग बी फॉर्म, जब बी फॉर्म दिया जा रहा है तो पहला रिजेक्ट हो रहा है तो आपको दूसरे को देना है? तो ये खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, चाहे सूरत हो चाहे इंदौर हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कानूनों को अपने बिल्कुल ताक पे रख के काम कर रही है, देश के अंदर एक संविधान को बदलने का प्रयास है। उमंग भाई, कल से यह चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज जो बीजेपी के संपर्क में हैं, आपके अलावा कई लोगों के भी ऐसे नाम चल रहे हैं, अलग अलग राहें जो हैं वो चल रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो बता चुका हूँ ना, मैं बोल तो दिया कि अब संपर्क करने से क्या होता, सब मिलते जुलते उससे अलग बात है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर मैं कहना चाहूँगा कि उमंग सिंघार है, सिंधिया नहीं है। आपके अलावा भी क्या कोई जा सकता है मालवा निवाड़ का कोई बड़ा नेता हो संपर्क? देखिए हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से ईडी इनकम टैक्स सबकी दबाव की राजनीति चल रही है, अगर कांग्रेस अगर 70 साल से करती अगर ये राजनीति इस प्रकार की तो भारतीय जनता पार्टी दिखती नहीं 70 साल के अंदर। ठीक है, थैंक यू।